जी तो फिर से अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त बिद फातिमा ऑटिज्म लाहौर के किचन में मौजूद हूँ। और जैसे कि आप सबने देखा है कि माएँ जो हैं, अल्लाह ने एक रहमत एक तोहफा दिया है इन माओं को, और साथ में बहुत सी मुबारकें भी हैं, बहुत सा प्यार भी है इन माओं के लिए और आज आने वाली एक रहमत के लिए। तो आने में इन माओ के लिए क्या दिल से बना के भेजा भाई ने, और बहुत ही मजे की बिरयानी है नॉन स्पाइसी, क्योंकि माए जो है वो स्पाइसी खाना नहीं खा सकती है। और आगे मतलब है और हलीम भी जो है वो बहुत ही टेस्टी और दिल से बनाई हुई है, क्योंकि हलवा है और रसमलाई है, साथ में नान है और नान भी स्पेशल कलवंजी वाले नान है। और अभी जो खाने में है, दोपहर में नान है, हलीम है, रसमलाई है और साथ में गुलाब जामुन है। और शाम का खाना जो है जर्दा है, बिरयानी है उसमें, और बहुत सी दुआएं और प्यार है माओ के लिए उस बेटे का। मिठाई भी खिलाते हैं, मुंह मीठा करवाते हैं, माशाल्लाह सब दादियां बन गई हैं। जी जी बहुत बहुत मुबारक हो, रब रहमत आई है। ये मिलेनियम बेबी नहीं, मिलेनियर बेबी भी है जो लाखों में हजारों में होता है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि ये एक माँ नहीं है, एक माँ नहीं है, एक माँ की बची हुई है। माशाल्लाह इतनी माएँ हैं और सब माएँ आप सबको, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादी बन गई हैं माशाल्लाह। ले मिठाई लें, दादी बनी है। अच्छा जी माशाल्लाह, दो दो रिश्ते हो गए हैं फिर आपके। मैं बड़ी आंटी बन गई। अच्छा जी, लो जी मिठाई लो, मुंह मीठा करो, सी दादी बन गए हो फिर। मुकद्दरां वाले सांभना ना, तुसी मुकद्दरां वाले ताडे ही बच्चे तुहानू मुबारक होवे, तुहाडियां दुआवां ने सारियां सारयां दी पाक। इस बेटे के नेक नसीब करी, याला पाक इस बेटे के रिजक में इजाफा करी, याला पाक हम सब को से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करी, याला पाक इस बेटे ने जो खाने का इंतजाम किया, इन माओं की खुशियों में दुख सुख में याला पाक ये बेटा बढ़ चढ़ के आगे होता है, याला पाक इसके रिजक में इजाफा करी, याला पाक इसके खानदान को से तंदुरुस्तियों वाली जिंदगी अता करी। बेटे ने ये इंतजाम किया है, याला पाक उसके रिजक रोटी में इजाफा कर दे, याला पाक उसके बच्चों को उसका फर्मा बरदार बना दे, याला पाक उसके बच्चों को उसके लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे, याला पाक जी उसको इस फैमिली को इस खानदान को खुशियों भरी जिंदगी अता फरमा, या खुदाए पाक जी इनको इनके रिजक में इजाफा कर दे, या अल्लाह रहम पाक जी हम सबको से तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी फातिमा ऑटिज्म लाहौर कराची इस्लामाबाद की माएँ जो हैं वो आप लोगों की मुंतजर हैं। आप जाएं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, उनको फील करवाएं कि वो अकेले नहीं हैं, उनकी बहुत सी औलादें ऐसी हैं जो उनसे बहुत प्यार करती हैं। इसी के साथ साथ जो है अपनी ज़कात में एहतियात में बिनते फातिमा ऑटिज्म लाहौर इस्लामाबाद और कराची की माओं को ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।